मऊ जिले में अपनी बेटी के अपहरण हो जाने के बाद न्याय नहीं मिलने पर पीड़ित परिवार न्याय के लिए कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन कर रहा है। पीड़ित की मांग है कि उनकी बेटी को जल्द घर लाया जाए, पुलिस की लापरवाही पर कार्रवाई की जाए, जिसके बाद डीएम कार्यालय से पीड़ित को जल्द ही न्याय मिलने का भरोसा दिया गया। बताते चले कि धरना प्रदर्शन कर रहे पीड़ित परिवार जिले के कोपागंज थाना क्षेत्र के एक गाँव के निवासी है। इनकी बेटी को 18 अप्रैल को आजमगढ़ निवासी एक युवक बैला फुसलाकर अपने साथ अपहरण कर ले गया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने में केस दर्ज करवाया, लेकिन पीड़ित परिवार के साथ पुलिस न्याय नहीं कर रही है। इतने दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ित की बेटी को पुलिस घर वापस नहीं ला सकी और न ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सकी, जिसके बाद न्याय की आस में पीड़ित परिवार ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही अपना मांग पत्र सिटी मजिस्ट्रेट हंसराज के माध्यम से डीएम को सौंपा गया। मांग पत्र पर हंसराज ने थानाध्यक्ष को तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार कर लड़की को बरामद करने के आदेश दिए हैं। लड़की हमारी गायब हो गई है जी, लड़की गायब 18/4/2018 गायब हुई। उसके बाद कुछ देर के बाद पता मिला कि राजन नाम के लड़के आजमगढ़ का रहने वाला है। वहाँ से हम लोग फिर आए थाने पे हम लोग क्या नाम रिपोर्ट दर्ज किए। भाई दर्ज हो गया? हाँ, उसके बाद फिर दबिश दिया गया तो लड़के के पिताजी को पकड़ कर लाने के बाद एक हफ्ते की टाइम SOG ने मांगे कि एक हफ्ते की टाइम हमको दीजिए, हम लड़के को बुलवा दे रहे हैं। तो हमने एक हफ्ते के टाइम दे दिया, अब तक कोई सर बरामद नहीं हुआ, ना कोई जवाब मिला। तो कहाँ आए हैं? हम आए हैं धरने पर सर, इसीलिए हम धरने पर बैठे हैं। अभी SO ने करवाई नहीं सर। पुलिस की मिली भगत है? पुलिस की मिली भगत है और बार बार हमको धमकी आ रही है। क्या कह रहे हैं लोग? कह रहे हैं कि मार देंगे, ये करेंगे, मुकदमा वापस ले लीजिए, नहीं तो मार देंगे, मार कर फेंक देंगे, कहीं भी आपको टपका देंगे, इसलिए धमकी मिल रही है, इसलिए हम धरने पर बैठे हैं आकर। ये श्री राजकिशोर अपने परिवार साथ यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में आए हुए हैं। इन्होंने अपना एक ज्ञापन दिया है और इनकी पुत्री हैं, आपकी पुत्री श्री पूजा को जो है ये अपहरण की बात बताते हैं कि लोग जो है कर लिए हैं और FIR दर्ज है। अपराध संख्या 104/18 है, 363/366 और 110, 120 भी, 506 IPC धारा और पाक्सो एक्ट के तहत भी जो है FIR दर्ज किया गया है और एक कार्रवाई हो रही है और उन्होंने टीम गठित कर दिया है। IEO इसकी जांच कर रहे हैं। अभी SO से मेरी बात हुई है, तात्कालिक प्रभाव से कार्रवाई करनी है और तत्काल इसमें एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी।